Let's do question number 11th of exercise 8B, that is ratio and proportion. Question number 11th is find the mean proportion between 6 and 24. So let mean proportion hota hai beech ka proportion. Let the mean proportion between 6 and 24 is x. तो हम देखिए तीन proportion हो गए, एक दो तीन. तो second वाला mean proportion is second one is x हो गया. तो हम इसको कैसे लिखते थे? First proportion upon second proportion upon third proportion, right friends? अब इसको क्या लिख सकते हैं? 6 upon x equals to x upon 24, x cross multiply किया x into x equals to 6 into 24. तो x square की value कितनी हो गई? 4 6 are 24 2 carry 4 6 2 are 12 13 14. तो x की value कितनी आ गई? Square root of 144, that is ये हमें पता है 12 का square root होता है, is the answer. This is our first part. Let's do second part. Second part is we have to find out the mean proportion between 3 and 27. So let the mean proportion between 3 and 27 के बीच का mean proportion क्या है? X है. तो 3 is to second वाला is to 27. Right friends? तो ये क्या आ गया? 3 upon x equals to x upon 27. Cross multiply किया. तो क्या आ गया? X into x equals to 3 into 27. तो ये क्या आ गया? X square equals to 81. X की value कितनी हुई? Square root of 81, that is 9 is the answer. Let's do third part. Third part is 0.4 and 0.9. So let the mean proportion between 0.4 and 0.9 is x ho gai. तो अब इन दोनों के बीच में हो गई. तो 0.4 first one is to second one, second one is to third one, right friends? तो ये क्या लिख सकते हैं? 0.4 upon x equals to x upon 0.9, cross multiply किया. तो ये क्या आ गया? X into x equals to 0.4 into 0.9. तो ये कितना आ गया? X square equals to 9 4 are 36. 2 के बाद point 1 and 2 के बाद point, that means this. तो point हटाया, 100 लगाया, right friends? क्योंकि 2 के बाद था इसलिए 100 लग गया. तो x की value क्या हुई? Square root of 36 upon 100. तो 36 किसका square root होता है? 6 का. और 100 का square root होता है 10. आप देखिए ये आगे क्या लिख सकते हैं? Upon 10 है तो point, एक के बाद पॉइंट लग जाएगा, 0.6 इज द आंसर. लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 12th ऑफ एक्सरसाइज 8B, दैट इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन. क्वेश्चन नंबर 12th इज व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर 5 9 7 12 टू गेट द नंबर व्हिच आर इन प्रोपोर्शन. फ्रेंड्स, हम इन इस नंबर में, इन सब नंबर्स में कौन सा ऐसा नंबर ऐड करें कि वो हमारा प्रोपोर्शनेट हो जाए? तो लेट द नंबर बी x. तो हम सब में x ऐड कर देंगे. तो 5 plus x is to 9 plus x is to 7 plus x is to 12 plus x, right friends? तो ये क्या आ गया? 5 plus x upon 9 plus x equals to 7 plus x upon 12 plus x, right friends? अब देखिए cross multiply हो जाएगा. तो 5 plus x into 12 plus x equals to 9 plus x into 7 plus x, right friends? तो देखिए अब हमें पता है इस type के questions कैसे solve करें.
इस 5 की मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में, फिर x प्लस एक्स की मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में. देखिए कैसे, 5 इंटू 12 प्लस एक्स प्लस एक्स इंटू 12 प्लस एक्स इक्वल्स टू सिमिलरली 9 की मल्टीप्लीकेशन 7 प्लस एक्स में प्लस एक्स की 7 प्लस एक्स में. तो ये क्या हुआ, 12 फाइव जो 60 प्लस 5x प्लस 12x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 63 प्लस 9x प्लस 7x प्लस एक्स स्क्वायर. तो ये कितना हो गया, 60 प्लस 2x के हैं तो आपस में प्लस हो जाएंगे, 17x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ये कितना है, 63 प्लस 9 प्लस 7 इज 16 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर. अब देखिए यहाँ पे भी x का स्क्वायर है, यहाँ पे भी, दोनों पॉजिटिव हैं. जब एक इक्वल टू के इधर होता है, एक इक्वल टू के इधर, अगर मैं इसे ले आऊंगी एक प्लस का हो जाएगा, एक माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्टली कट कर देती हूँ. राइट फ्रेंड्स, अब देखिए x की टर्म्स एक साइड, 17x माइनस 16x इक्वल्स टू 63 माइनस 60. तो ये क्या बच गया, x की वैल्यू 3. तो हेंस रिक्वायर्ड number is 3. Thank you. If you understand the step-by-step solution of this video, please subscribe my channel on maths and share it with your friends. Thank you.